कर रहे हैं थोड़े लिए सर नवीन गोयल जी थोड़े सारे बच्चों समाइल एनजीओ के नाल जोड़ के पढ़ाते हैं थोड़ा दिल करता पढ़न नूं नवीं नवीं चीज़ां सीखण नूं दिल करता ना तो अज तुसी इत्थे फ्लावर शो च आए हो बठिंडा दे विच ते तुसी बहुत सारिया चीज़ां देख रहे हो इस तरह ही इत्थे तुसी मेरे कोल पहुंचे हो तो तुहानूं मैं कुछ साइंस दीआं चीज़ां दिखाऊंगा कुछ मैथमैटिक्स दीआं सिखाऊंगा ठीक है। सब तो पहला आपां पहाड़ा बनाना सीखते हैं नौ का किन्ने का नौ का पहाड़ा बनाना सीखांगे सिर्फ असीं इत्थे नंबर लिखने हैं की लिखने हैं एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ ते दस पहाड़ा दस तक हुंदा ना नौ दा पहाड़ा ये अपने आप ही चलूगा बस आपां ने तुहाडे चो एक नंबर बोल दो कोई एक नंबर बोल दे इन्हां चो पाँच इसने बोलिया पाँच पाँच दे इधरले पासे गिण लो किन्ने हैं चार चार इत्थे चार लिख लो इधर गिण लो किन्ने हैं पाँच नौ पाँच समझ आया देखो जे तुसी दो बोलदे इधर किन्ने रह जांदे इधर दो तो इधर एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ दूनी जवाब आ गया ठीक है। और देखो जे आपां अठ करिए इधर किन्ने सत्त अठ तो इधर किन्ने है ते नौ अठ करना आ गया सारे नूं सौखा है ना समझ आया कि नहीं नवा लग्या हुण आपां नौ तो बनावांगे उन्नी का किन्ने का बनावांगे उन्नी का आपां नौ का लिख लेना क्योंकि नौ का आपां ने हुणे सिखिया सीगा ये किन्ने तक लिखिया आपां ने चार तक हुण आ वाले अक्षर फिर लिख लेने आपां ठीक समझ आया की किता नौ का पहाड़ा लिख लिया नौ दे ए पिछले वाले अंक है जेडे आपां ने दोबारा लिख ले इधर लिखता गिणती लिखती एक दो तीन चार पाँच हुण इहनूं जोड़ो एक च जीरो जोड़िए एक आजूगा दो च एक जोड़िए तीन च दो जोड़िए चार च तीन जोड़िए आ पढ़ो की है ये उन्नी का पहाड़ा बन गया उन्नी एकम उन्नी दुना उन्नी तिया उन्नी चौक सौखा हो गया कम ठीक हूँ एक सौ उन्नी का भी सिखा दिने तुहानू इन्नी दूरों तुसी चल के आए हो एक सौ उन्नी का भी सीख लो आ लो पढ़ एक सौ उन्नी का पहाड़ा जिथे मर्जी चेक करो हूँ तुहाडे चो जिहड़ा ग्यारह सौ उन्नी का बना के दिखाऊगा मैनू उहनू प्राइज देंगे एक हज़ार एक सौ उन्नी का आ जाओ बिच कौन बनाऊगा इस तरह ही अगे चली जाना है देखो ये ग्यारह सौ उन्नी बन गया ये बाई सौ अठत्ती बन गया तेती सौ सतवंजा बन गया चौताली सौ छिहत्तर बन गया ये पहाड़ा बन ठीक है बोलो समझ आया कुछ इंटरेस्टिंग है ना कोई थ्री डिजिट नंबर लिखांगे असि थ्री डिजिट नंबर बोलो कोई दसो की लभ्या तुहानू इहदे विचों दो मैं सम कीते आ कुछ समझ आई इहदे ਪਿਛਲਾ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਨੌ ਆਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪੇਪਰ ਮੇ ਹਮਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੇਪਰ ਕਰ ਦਿਆ ਹਮਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇਗੇ ਨਾ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਅਲਕੋਹਲ ਕੀ ਪਾਇਆ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੱਲੂਗਾ साइंस है बेटे ठीक है क्या किया अलकोहल पाया से इतों की निकलिया अग निकली इतों अग निकली ना बिल्कुल छोटी जी अग निकलती है किड्डा वड्डा लाए बर्नर चल पैंदा साडा है ना तो इस तरह इस दे विच की लगी अग लगी अग लगन दे नाल की बनिया गैसा बनिया वो गैसा ने प्रैशर मारिया प्रैशर दे नाल वो तो लगे चली गई गैसा बाहर आ गई इसनों कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन देखा मजेदार है जोर दी क्लैपिंग करो अपने हाथ ना हाथ पूरा पूरा कवर कर पूरा कवर कर एकदम दे उल्टा आपने ग्लास उठा लिया दोबारा देखो की फर्क रह जाता ऐसे रखा ऐसे किया इन छड़ देना इस नु नहीं पकड़ना फिर तू की किता इस नु पकड़ लिया इस नु छड़ देना हूँ समझ आया कोई गल नहीं कोशिश करो कोशिश करने वालों की कभी चलो लेट अस ट्राई ऊपर भी ध्यान रखो हाँ हाथ छोटा है वो हवा अंदर चली जाती है हवा अंदर चली जाती है
देखो बेटा इस दे विच की है कि मोरिया से ना तो मोरिया दे विच पानी रुकिया रह गया, पानी रुकिया रह गया, उसने एक लेयर बनाती, उस लेयर की वजह करके ही पानी है जो बाहर नहीं आता। वो लेयर क्यों बनी है? ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू, इसलिए अगर गिलास दे विच पानी पा दिंदे गिलास वर्गा हो जाता, जग च पा दिंदे जग वर्गा हो जाता, गड़वी च पा दिंदे गड़वी वर्गा, शेप अपनी चेंज कर दिंदे। ठीक समझ आ गया सारे नूं? पटियाला से देखो बेटा ये बैलून दे विच मैं की भरी मोरी वाला इस चे क्या भरती सामने भरी है ना, ये जादू नहीं होंगे कोई भी, ये क्या होंगी साइंस। ये देखो ये गुब्बारा है जो मेरे हाथ नाल चिपक रहा, नहीं चिपक रहा ना, ठीक है ना। तो हूँ जे असी बुक पढ़ांगे तो बुक्स का सानू ये फायदा है, बुक्स के साडे जिहड़े वड्डे वडेरे सीगे जिहड़े उन्हां चों साइंटिस्ट सीगे वो लिख के चले गए किताबां च, उन्हां दे नाम ते लॉज बन गए, वो असी पढ़ते हाँ। बुक जरूरी है पढ़नी, बुक तो बिना कुछ भी नहीं बन सकता। तो बुक दे विच लिखे है कि जदों तुसी कई चीज़ नूं रब करदे हो ना तो रब करने दे नाल उसकी सरफेस के उपर क्या आ जांदा चार्ज, चार्ज क्यों आंदा है? क्योंकि इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। हम इसनों असी अगर रब किया तो रब करने के नाल जे इस ते चार्ज होया तो हाथ नाल चिपकना चाहिए, तो बुक च लिखी हुई गल सच हो जूगी। वही चीज़ा जो असी देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं वो तुहानू दिखाण आए हैं। ठीक है ना, क्लीयर होगी गल। हुण ये जिहड़ा चार्ज है ये तो है एक दूजे नूं खिंच रहे हैं, तुसीं को सर ऐसा दिखाओ कि एक दूसरे नूं रिपेल कर, रिपेल कर, वो भी दिखावांगे तुहानू रिपेल। देखो ये साढ़े कोल तुहाडे तुसीं सिक्का यूज किया नहीं चलिया सिट दिंदे हो, सिटिया ना करो कोई भी चीज़, हर एक चीज़ के पिछे साइंस है। और एक रबड़ है, रबड़ के विच मैं इसनू बनाता स्टैंड बन गया, मेरा स्टैंड बन गया ना। ये देखो हुण मैं इसनू हाथ नाल रगड़िया, हाथ नाल रगड़िया तो ये उत्ते चार्ज होना चाहिए। इसनू भी मैं किस दे नाल रगड़िया सीगा, हाथ नाल रगड़िया सी, इहदा मतलब उसे हाथ नू इहदे नाल रगड़िया, उसे हाथ नू इहदे नाल। हुण देखो की होगा, फिर की होया रिपल्शन इतने की हो गया। हाँ देखो साढ़े शरीर के विचों करंट पास हो जाता,
देखो हूँ हाथ इधर करो देख रहे हो पूरी बॉडी जान इसलिए जे अगर किसी को करंट बजे उन्होंने जाके पकड़ नहीं लेना बॉडी बॉडी जो भी लंघ जूगा ठीक है हूँ तुम दसते हैं कि भगवान ने आ सानू कादे लई दित्ते हैं केस सारिया के है ना केस सारिया के है ना सबनों दिते है ना तो इन्हों की की इंपोर्टेंस है पकड़ो फिर अगर उपर आ जाएगा ना जो चमड़ी आ जाएगी चमड़ी हथ ला फिर करंट फ्लो करेगा केसा चो नहीं करेगा ये बैड कंडक्टर का काम करते हैं जो बिजली उपर डिगेगी तो साढ़े शरीर के नहीं लंघेगी बच जाएंगे लेकिन अगर असी नंगे पैरी होए या गिले हुए साढ़े पैर फिर वो बिजली जी उपर डिग रही है साढ़े शरीर चो लंघ जूगी असी मर जाएंगे समझ आई गल इस तरह के एक्सपैरीमेंट्स हैं जेडे ये थानू की एक गाइडलाइन दिंदे हैं कि सारी साइंस है ये सारी स्टडी है नेचर की जो नेचर दे विच है उसनू स्टडी करना साइंस है हुण थानू सारयां नू पता तुहाडे शरीर च किन्नियां हड्डियां 200 गिणाओ मैनू आ जाओ कित्थे कित्थे किन्नियां किन्नियां क्योंकि तुसीं कदे गिणिया ही नहीं लेकिन अज गिण के जाओगे अज तो बाद तुसीं लोकां नू गिणाओगे देखो ये इस तरह का साडा शरीर है दिख रहा तुम सारे हूँ तुम एक नंबर याद रखना 26, 27, 28 एक पैर है जेड़ा एक पैर च 26 हड्डियां होंदियां पैर किन्ने हैं 26 हो गई हाथ दो है एक हाथ च 27 होंदी है 27 ते 27 54 ते 52 106 हड्डियां तो साढ़े हाथों के पैरों च है इसलिए हाथों पैरों के नाल काम करते रहना चाहिए अद्धा शरीर काम करता रहता सा समझ आई गल हूँ उपर वाला जोड़ा यह पोर्शन है ये होंगे 28 किनिया होंगे एक नंबर याद रखना 26, 27, 26 मेरे नाल बोलो 26, 26, 27, 27, 28 हो गई याद इन हूँ आ बिच वाला जो पोर्शन है इस होंगे 52 किनिया किमें याद रहूगा पैर का जोड़ 26 जमा 26 52 इतने किन याद हो गई हूँ बाकी रह गई बाहां ते लत्तां मेरे नाल बोलो सारे 26, 26, 27, 27, 28 52 5, 5, 5, 5 आओ तो जोड़ ला के दिखा दें हूँ जो 206 बन गया तो तुम हम लोगों को गणाते रहे हो जेड़ा मिल जाए कह जी भाई साहब सत श्री अकाल एक मिनट फाटिया 206 हड्डियाँ गणा दिए 28 फिर उस तो बाद 57, 54 उस तो बाद 52 उस तो बाद बाहां दियां उस तो बाद फिर लत्तां दियां उस तो बाद फिर पैरां दियां 8 ते 4, 12 ते 14 ते 2, 1, 2 ते 3 ते 5, 8 ते 5, 13, 14 ते 15 ते 5 लो जी 206 हड्डियां तैयार हो गईयां हुण दस सकदे हो ना सारयां नूं जिथे जिथे साडे जोड़ हैगे आ उतो घूम दिया ना हूँ भी याद रख लो भी जोड़ किन्ने साडे 13 किन्ने जोड़ है 13 जोड़ है मेन जोड़ जेडे हैं 13 है बट्टे वैसे तो इतने भी जोड़ है इसलिए हड्डी बाहर नहीं आती क्योंकि जुड़िया हुई हैं ठीक है पर मेन जोड़ याद रखो किन्ने 13 अजकल 13 बड़ा मशहूर है ना गाना भी है ना 13, 13, 13 और दसो वधिया लग्या थानू सीखण नू मिलिया ए दसो की सीख लिया तुसीं
ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ 19 ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ 119 ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ 1119 ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਗਣਾਤੀਆਂ, ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ।